हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। इस वीडियो में सिखाएंगे हम जो एक कटिंग मशीन होती है, तीन तरह की कटिंग मशीन, तीन तरह से टाइल को कटिंग कर दिया जाता है। एक तो आपकी आती है कलम पेंसिल, ठीक है, कलम पेंसिल से भी आपको टाइल को कटिंग कर दिया जाता है। एक दूसरी आती है आपकी ग्राइंडर मशीन, जिससे आपको उससे पहले लाइन मार्किंग टाइल्स पर पहले लाइन मार्किंग लगा ली जाती है, उसके बाद आपको कटिंग की जाती है। उसको शेप एंड साइज़ में, जैसे राउंड स्क्वायर राउंड हो गया, आपको राउंड में कटिंग करनी है। जैसे कि आपको यहाँ पर सैनिटरी पाइप आता है, वो सैनिटरी पाइप आ गया नीचे वाला सैनिटरी का, तो उसको गोल पाइप में कटिंग करना है, तो आपको क्या उसका कटिंग होती है ग्राइंडर मशीन से, हाथ वाली मशीन जो होती है ग्राइंडर मशीन। और दूसरी आपकी कलम जो पेंसिल आती है, इसमें जो निब होती है वो आपकी बहुत भारी होती है, इसमें आपकी कॉपर की बनी होती है, ठीक है। उससे आपको एक टाइल के ऊपर रख के बाद पेंसिल अच्छे से डार्क कर लिया जाता है, उसके बाद आपको कॉर्नर से टाइल को करेक्ट कर लिया जाता है। और आपकी तीसरी मशीन जो होती है वो आपकी है ये, तो ये आपकी स्पार्टक मशीन है। तो स्पार्टक मशीन में इसमें एक नीचे एक गरारी सी लगी होती है, जैसे आप देख रहे हैं, एक छोटी सी बिल्कुल गिररी सी लगी होती है, इसमें बारीक पिन सी होती है, जैसे गरारी सी होती है, बारीक पिन सी लगी होती है उसमें। इसमें जैसे 4 इंची 3 इंची 2 इंची जैसे इस कटिंग करना चाहते हैं करते हैं, ये आपकी रबड़ होती है इसमें। और मार्किंग ब्लैक मार्कर से यहाँ पर 4 इंची पे स्पेस, ये आपका ये फेस है, तो जो आपका ये बीच में देख रहे हैं ये आपका सेंटर है। इस सेंटर से आपको इन मेजरिंग टेप से आपको 4 इंची पे यहाँ पे लगा लेना है, 4 इंची हो गए। और सेम एक प्रोसीजर ये रहेगा इसके सेंटर से, और यहाँ पे आपको 4 इंची पे मार्क लगा दिया जाता है, इसे स्कटिंग काट दी जाती है। जो स्कटिंग आपके देखो कैसे कटिंग करते हैं, ये आपकी जो टाइल होती है 2x2 की होती है, तो इसमें आपको अगर ये 2x2 की 600 mm 600x600 की 2x2 फीट की हो गई, तो एक आपकी 4 इंची हो, 4 इंची में 100 mm, ठीक है, तो आपके 6 पीस निकलते हैं इसमें। तो अगर आप ग्राइंडर मशीन से काटते हैं तो उसमें 2 से 3 mm का वेस्टेज होता है। ग्राइंडर मशीन जो ब्लेड की थिकनेस होती है उसके बेस पे आपको वेस्टेज होता है, तो उसमें 4 इंची की जो ग्राइंडर मशीन होती है उसमें मिनिमम 5 mm का जो ग्राइंडिंग ब्लेड होता है वो ही अपने सेम में कटिंग करता है, तो उसमें वेस्टेज होता है, तो उसमें 5 पीस निकलते हैं और उसमें एग्जैक्ट 6 पीस निकल जाते हैं। तो इसका यही पर्पज़ है, और इसमें आसानी भी है, इसमें लाइट की बचत होती है, टाइम की सेविंग होती है, बहुत फास्ट काम होता है इसमें, स्कटिंग करने के लिए बहुत परफेक्ट आइडिया चाहिए। अगर आप किसी में सपोज कीजिए आपको यहाँ पे ये टाइल कटिंग करनी है, ये वाली टाइल कटिंग करनी है, तो इसमें आप पहले से मेजरिंग कर लेंगे कितना इसमें वीड का पीस लगा। सपोज कीजिए 6 इंची पीस लगाओ, 6 इंची पीस लगाओ वीड में, तो मार्क कर लेंगे तो सीधा कटिंग कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से टाइल की कटिंग की जाती है इसमें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।